अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और आज की वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना क्योंकि हम लोग ये वीडियो तो मैंने सुबह सुबह बना ली थी लेकिन फिर हम लोग एक दावत पर चले गए क्योंकि जब हम लोग पंजाब आते हैं तो एक दूसरे के घरों में दावत वगैरह खाने के लिए तो फिर ज़रूर जाना होता है। तो बस वहीं पे मैं तो समझी शायद थोड़ा जल्दी आ जाएंगे लेकिन जल्दी आ नहीं सके, थोड़ा लेट ही हो गए, इसी वजह से फिर मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई। तो जी अभी स्टार्ट करती हूँ मैं अपना व्लॉग। और सबसे पहले तो लाउंज से मैंने अच्छे से सफाई कर ली है और सबसे पहले गदियाँ जो है ना वो ठीक करके मैं रख लेती हूँ। पर्दे वगैरह मैंने हटा दिए हैं, थोड़ा सा फ्रेश एयर भी अंदर आ जाए। सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना वो एक खूबसूरत सा टाइम होता है, इसी वजह से अब मैंने झाड़ू लगा लिया है और उसके बाद लगा लेती हूँ जी पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर आज मैं अपने पूरे घर की, नीचे वाले घर की क्लीनिंग करूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और लाउंज की क्लीनिंग के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। कमरे की क्लीनिंग अब कर लूँगी अच्छे से क्योंकि जब हम लोग घर से उधर से हम लोग वापस आए थे तो इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी कि मैं 3-4 दिन तो मैं सिर्फ छत की वीडियो बनाती रही हूँ कि इतना फिर नीचे काम करना पड़ा है। तो अभी अभी कंप्लीट हो चुका है काम, थोड़ा बहुत रह गया है और सारा जो सामान था ना वो सारा हमने शिफ्ट कर दिया है, कुछ ईमान के रूम में और कुछ हमने ऊपर वाले रूम में एक साइड पे शिफ्ट कर दिया था। तो अभी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है मेरा लाउंज जो है, तो बैठने लायक हमने बना लिया है कि हमने 10-20 दिन इधर रहना है। तो इसी वजह से फिर जो है काम इधर कुछ ना कुछ करना पड़ा। अभी बेड शीट जो है वो अच्छे से मैंने बिछा ली है और अगली मैंने उतार के तो रख दी, वो अभी कल धोऊंगी क्योंकि हाथों पे धोनी है तो कल ही धोऊंगी। कल वॉशिंग मशीन तो यहाँ पे है नहीं, आजकल मेरे हाथ ही वॉशिंग मशीन बने हुए हैं तो कल मैं इंशाल्लाह कपड़े धोऊंगी। और अभी चढ़ा रही हूँ मैं ये तकिए के कवर, दोनों एक का चढ़ा लिया तो दूसरे का भी चढ़ा लूँगी और साथ साथ सोच रही हूँ कि अगला काम कौन सा करना है। बस दिमाग में ना एक जैसे मशीन चलना शुरू हो जाती ना नेक्स्ट नेक्स्ट की, तो इसी वजह से बस इसी तरह ही मैं सोच रही थी कि आज दोपहर को क्या बनाना। तो दोपहर को मैं आज बनाऊँगी पुलाव, थोड़ा सा चिकन लेके आया था अजीम तो वो ऊपर रखा हुआ है फ्रिज में, क्योंकि नीचे तो फ्रिज थी नहीं, डिस्पेंसर ही पड़ा हुआ है ठंडा पानी। तो उसका मैं तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि नॉर्मल पानी पीती हूँ मैं, ठंडा पानी पीती नहीं हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा फ्रिज की ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ आके ना जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी होती वो फ्रेश ही लेके आ जाते तो वो साथ साथ ही बस इस्तेमाल हो जाती हैं। और अजीम के बेड साइड भी मैं आ गई हूँ, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है जितना वहाँ पे रश लगा हुआ होता था, वहाँ यहाँ का काफ़ी कम रश लगा हुआ है। तो जी अच्छे से मैं इसका बेड बना लूँगी, उसके बाद जो साइड टेबल पे चीज़ें पड़ी वो थोड़ी सेट करके रख लूँगी। Thank you.
और कमरे की डस्टिंग मैंने कर ली थी, पूरे कमरे की कर ली थी, और काफ़ी हद तक ये जो सामान सामने पड़ा है ना, वो मेरा दिल यही कर रहा है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना, वो जो ड्रेसिंग टेबल वाला जो है ना अलमारी, उसमें सारे छोटे छोटे जो शो पीस वगैरह सामने पड़े हुए हैं ना, तो मेरा दिल यही कर रहा है कि उनको उठा के उसके अंदर बस सबको ना इकट्ठा करके रख दूँ। अब जैसे फैली हुई चीज़ें हैं ना, वो सारी ख़त्म कर दूँ। अभी तो फ़िलहाल थोड़े दिन रहना है, तो उसके बाद इनको पैक करके चीज़ों को बस रख दूँगी मैं। अंदर से पोछा लगा लिया, और यहाँ झाड़ू रहता था अभी, तो यहाँ का झाड़ू लगा के इसके बाद मैं यहाँ का पोछा लगा लूँगी, और ये कपड़े जाके मैं ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ये भी कल ही धुलेंगे। आज ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा आज निकले हैं कपड़े, क्योंकि बेडशीटें भी चेंज कर ली हैं, तो जिसकी वजह से कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल ऊपर रख देती हूँ, कल हाथों पे ही धोने। आप लोगों को पता है आजकल मेरे पास मशीन नहीं है, तो हाथों पे ही आजकल सारे काम हो रहे हैं। वैसे एक्सपीरियंस अच्छा है, कभी कभार बंदा इस तरह भी काम करने चाहिए कि आपके पास कोई चीज़ भी नहीं होती, आपके पास मशीनें नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी नहीं होती, तो अब कैसे फिर अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते। पहले लोग भी तो मैनेज करते थे ना, बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो होती थी वो बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो चूल्हे भी इस तरह ऊपर नहीं होते थे। आज आप मेरा जो किचन है, सुबह का नाश्ता और लंच बन चुका था, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो सारे मैं बर्तन सिंक में इकट्ठे कर लूँगी, और वहाँ जितनी भी चीज़ें मैं लेके गई हूँ ना, उसके बाद यहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई। वहाँ तो मैं बिल्कुल ही थोड़ी सी चीज़ें लेके गई थी जो कि हमारे इस्तेमाल की होती थी, तो सारी चीज़ें यहीं पड़ी हुई हैं, और सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके ऊपर रखी हुई थी। तो उसके बाद जब हम लोग आए तो उनको निकाल के, तो फिर हम अरेंज करके मैंने थोड़ा सा रख दिए हैं, जो हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, वो मैंने बाहर निकाल के रख ली हैं। अच्छा, जाते हुए ना जब हम लोग गए थे उस वक्त मैंने कहा डिस्पेंसर नहीं लेके जाना, वैसे ही हम लोगों ने जाना है, तो वो काफ़ी काम आ गया कि आते ही हमने एक पानी की बोतल मंगवाई, ऊपर लगाई, और बच्चे जो हैं वो ठंडा पानी पीते हैं। अगर मैं नहीं पीती हूँ तो दूसरे तो पीते हैं ना, मैं नहीं पीती हूँ, यूसुफ भी कम ही पीते हैं ठंडा पानी, वो नहीं पीते, तो मैं नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, तो इसी वजह से मुझे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। वैसे पिछले ज़माने की मैं हूँ, इसी वजह से मुझे इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आज की वीडियो यहीं तक है।